हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। उन्हें एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह का जो है एग्ज़ाम पेपर पैटर्न आता है और कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है। कुछ मेरे पास ये मेरे फर्स्ट ईयर के जो होते हैं एग्ज़ाम पेपर है, किस तरह से मेरा पेपर पैटर्न जो था आया था फर्स्ट ईयर में, जो होते हैं कितने एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट ईयर में, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो पहले कौन से एग्ज़ाम होंगे, अगर आपका ईयर वाइज है तो कितने एग्ज़ाम होंगे, ये डिटेल्स मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मैं नर्सिंग से रिलेटिव ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोस से। मेरे पास है कुछ पेपर्स जो मैंने फर्स्ट ईयर में, यानी कि अभी प्रीवियस 2023 के जो है ये पेपर है, कौन कौन से एग्जाम मेरे अभी हुए थे। अभी अभी जो है मेरा रिजल्ट भी है वो भी नहीं आया है, वो आने। तो उससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से एग्जाम रहने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं, अगर आप सेमेस्टर वाइज है, आपका सेमेस्टर वाइज है 6 मंथ में आपके एग्जाम होने हैं तो कौन कौन से एग्जाम होने हैं। एक आपका होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो FON का होता है, इसका एग्जाम फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है और इसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में भी हो सकता है। अरे जो एग्जाम हुआ था FON का वो सेकंड सेम में जाकर हुआ था पूरा कंप्लीट। तो और पहले सेमेस्टर में जो आपके एग्जाम रहने वाले हैं वो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का रहने वाला है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और इंग्लिश का आपका रहने वाला है, इंग्लिश का आपका इंटरनल रहने वाला है और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का आपका एक्सटर्नल रहने वाला है। वो एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रहने वाला है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ही ब्लॉक जो होता है 75 मार्क्स का जो होता है एग्जाम पेपर पैटर्न आता है। अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में आएगा आपका न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री जो होता है एक ही में जो होता है एग्जाम आता है। तो ये आपकी बुक्स थी जिनके एग्जाम होने वाले हैं, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेपर पैटर्न किस तरह से आने वाला। अगर आप सेमेस्टर वाइज अगर आप स्टडी करते हो तो किस तरह से पेपर पैटर्न आने वाला है, क्योंकि जो मेरा है मेरा सेमेस्टर वाइज है और सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंग जो है मेरा पेपर पैटर्न आता है। आपका क्या है, ईयर वाइज है सेमेस्टर वाइज है, कमेंट में जरूर बताना। तो आइए हम आपको मैं पेपर जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह से वह पेपर पैटर्न आता है। अगर आप ईयर वाइज में हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी। और आप अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से कर रहे हैं BSc नर्सिंग, ये कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जो है जा रही है, तो कमेंट जरूर करना कि आप BSc नर्सिंग कहाँ से कर रहे हो। तो पहला पेपर मैं आपको पहला पेपर दिखाता हूँ, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। आप देख सकते हो 37, आपको मैं स्क्रीन पर जो है इस साइड देख सकते हो, आपको इसमें जो है सेक्शन ए जो है इसमें सोशियोलॉजी का दिया है एक साइड और सेक्शन बी में इसमें साइकोलॉजी का दिया है। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं कि सेक्शन ए में जो है मैं 37 मार्क्स, यानी कि सेक्शन ए जो है 37 मार्क्स का है और कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल्स और किस तरह से है, तो आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें जो है दिए गए हैं, कितने 6 जो है इसमें मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देख सकते हो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स के जो है तीसरा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है। ऐसी जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से हमें कोई भी जो है 3 जो है अटेम्प्ट करने हैं। और अब सेक्शन बी में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें भी देख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपके टोटल मिलाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो 13 मार्क्स के होते हैं, 13 मार्क्स के आपके जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको यही बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, पासिंग 75 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं थ्योरी में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं।
हमें थ्योरी में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 6 जो है एक्सप्लेन टाइम अटेंशन के बारे में जो पूछा गया है 5 मार्क्स का आया है, और दूसरा जो है फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में जो है एटीट्यूड के बारे में जो है पूछा गया है, वो भी 5 मार्क्स का है। तो 7 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 3 क्वेश्चन इसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 5 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, 15 टोटल इसमें 15 मार्क्स है, जो हमें 3 क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट करने हैं। और आप शॉर्ट नोट में देख सकते हो, इसमें से जो 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, ये 2 2 मार्क्स के हैं, इसमें से हमें कोई 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम पेपर था, ये साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी का था। तो अब दूसरा पेपर मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरे पेपर में अगर हम बात कर लें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात कर लें तो ये 2 साइड जो था दिया गया था, एक साइड जो थी एनाटॉमी दी गई है देख सकते हो आप, और एक साइड जो है फिजियोलॉजी दी गई है। एनाटॉमी जो है इसमें 37 मार्क्स का सेक्शन ये जो है इसमें 37 मार्क्स का दिया है, और सेक्शन बी जो है 38 मार्क्स का, टोटल मिलाकर 75 मार्क्स होते हैं। तो आप देख सकते हो सेक्शन ए पे अप्लाई एनाटॉमी में आप देख सकते हो इसमें जो है 6 मार्क्स का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हो, और इसमें जो है 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आया है, सेल का आया है, सेल का डायग्राम आया है, और उसके पार्ट आए हैं जो है 10 मार्क्स का जो है इसमें क्वेश्चन आया है। और तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो शॉर्ट नोट, जो कि हमें जो है 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों के जो है अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 5 5 मार्क्स के हैं, यानी कि 15 मार्क्स के जो है टोटल तीसरा क्वेश्चन आया दिया है इसमें, और 4 क्वेश्चन देख सकते हो आप वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि आपको जो है। तो चलिए ये सेक्शन ए कम्प्लीट हो गया, सेक्शन बी अब जो है देख लेते हैं फिजियोलॉजी का। तो सेक्शन बी में भी आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 7 मार्क्स के इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर होते हैं हमारे 13 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें आप 6 क्वेश्चन देख सकते हो 10 मार्क्स का दे रखा है, 7 क्वेश्चन देख सकते हो 15 मार्क्स का दे रखा है, और 8 क्वेश्चन देख सकते हो 6 मार्क्स का दे रखा है। तो ये थे हमारे ये 2 एग्जाम पेपर थे जो मैंने आपको जो है दिखा दिए हैं, किस तरह पेपर पैटर्न आता है आप समझ गए होंगे, आगे जो पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का पेपर चाहिए या देखना है कि किस तरह से आए थे क्वेश्चन, तो वही मैं आपको दिखा दूंगा, कोई हेल्प चाहिए तो भी आप बता देना, वो मैं मेहनत कर रहा हूँ नाइट में अपनी स्टडी का टाइम आपको देकर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार एक लाइक कर दो, बस एक लाइक आपको जो है मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो पर 100 लाइक तो जाए, तो प्लीज़ यार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, कॉलेज का नाम बताएं और कहाँ से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज भी हो, कहीं भी हो, कमेंट करो यार, भर दो कमेंट, हो मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगा, वो भी लाइव आकर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और कोई भी आपको डाउट है कोई भी किसी चीज़ से भी लेकर तो आप बताओ, मैं उसको क्लियर करूंगा, मैं जो है आपसे बात करूंगा, लाइव आकर बात करूंगा, या आपके क्वेश्चन एक वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन जिसके मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आंसर देना चाहिए तो मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कर। तो मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, आप भी नर्सिंग स्टूडेंट है तो यार चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और सेकेंड ईयर में हमारा स्टार्ट हो चुका है एमएसएन, जो कि भाई मतलब देखा जाए तो बहुत मस्त बुक है, मतलब उसे डिसीज के बारे में, क्या बीमारी है, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ ख़त्म हुई, ये सब कुछ, क्या ट्रीटमेंट है, सब कुछ हम इसकी जो है स्टडी करेंगे डेली, जो है हम इसकी एक डिसीज जो है करेंगे स्टडी करेंगे एक डिसीज, क्योंकि मैं भी यार इतना पढ़ने में वीक होता जा रहा हूँ, तो स्टडी करेंगे एक डिसीज जो है हम इसकी डेली पढ़े करेंगे, क्या सिम्टम है, क्या उसके नोट जो है हम बनाया करेंगे, तो आपको भी उसके नोट मिल जाया करेंगे। तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, देख के रहे हो यार भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जल्दी 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो भाई क्या ही कहना है, पर 100 लाइक 100 लाइक ठोक दो यार, बस 100 लाइक कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।